नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। राम कुंडाली के नेक दिल एवं न्याय पित्र स्वर्गीय माधव सिंह पटेल के आकस्मिक निधन से ग्राम तथा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ रही है। स्वर्गीय पटेल की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ी और हृदय गति रुकने से उनकी दुखद मृत्यु हो गई है, जिनकी अंतिम यात्रा शनिवार सुबह 9 बजे कुंडाली गृह निवास से निकाली गई है, जिसको हजारों की संख्या में भाग लिया गया है। हर एक ने उनके पार्थिव देह के दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हजारों की संख्या में सभी समुदाय एवं विभिन्न दलों के नेताओं ने उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर अंतिम विदाई दी है। अंतिम यात्रा 4 किलोमीटर पैदल चलकर ग्राम जाम स्थित उनके पुश्तैनी शांति धाम पहुंची है, जहां उनके पुत्र हरनाम सिंह पटेल व हरिनारायण पटेल द्वारा मुखाग्नि देकर कुल पुरोहित पंडित श्री शैलू महाराज जी द्वारा वेद मंत्रों के साथ अंतिम संस्कार कराया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल, सिलवानी जनपद अध्यक्ष तरुबर सिंह राजपूत, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक रामपाल सिंह राजपूत के ज्येष्ठ पुत्र दुर्गेश प्रताप सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र पुरी गोस्वामी, जिला पंचायत सदस्य लोकेश मिश्रा, कविंद्र रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। रायसेन जिला ब्यूरो, मदन वर्मा की रिपोर्ट।